एक मिलीनियर के सस्पिशियस डेथ हो जाने के बाद सारे लोग उसकी प्रॉपर्टी के पीछे थे। एक इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और सब कुछ चीज़ें सामने आने लग जाती है। एक्चुअल किलर कौन था, डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री थी, ये आज की मूवी वाइल्ड थिंग 2 में हम देखेंगे। एक्चुअल में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई भी रिलेशन नहीं है, फिर भी आप अगर पार्ट 1 देखना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये मूवी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ब्रिटनी, एक क्रोकोडाइल के लेक पर आई हुई थी। एक्चुअली अभी अभी उसकी मदर ने इसी लेक में सुसाइड की थी। वो अपनी मदर को मिस करती है तो इस जगह पर आकर उसे याद करती है। इसके बाद वो अपनी स्कूल में आई। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे जो सारे स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। डायरेक्टर मॉरिस ने सबसे कहा कि आपको पार्टी करनी चाहिए पर कुछ लिमिट में। इसमें अगर आपने सब्सटेंस अब्यूज किया यानी कि ड्रग्स वगैरह किए तो इसके अंजाम बहुत ही गलत हो सकते हैं। उसने एक डॉक्टर भी लाया हुआ था, डॉक्टर का नाम था जूलियन। जूलियन सबको बताता है कि किस तरीके से ड्रग्स की वजह से लड़कों की डेथ होती है। इसके बारे में वो डिटेल्स दे रहा था, सबको डराने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर स्टूडेंट उसका भी मजाक उड़ाते हैं। स्टूडेंट में एक लड़की थी जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है माया। माया जूलियन से पूछती है कि जब किसी की डेड बॉडी मिलती है तो उसके आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हो। जूलियन ने उसे कहा कि हम उसके डेंटल रिकॉर्ड से करते हैं। आज किसी भी स्टूडेंट का लेक्चर सुनने का मूड नहीं था क्योंकि आज लड़कियों का वॉलीबॉल का मैच है और सारे लोगों को वही देखना था। ये मैच होता है और इसमें ब्रिटनी खेल रही थी और उसी की वजह से वो मैच जीत गए। अब इसका सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग ब्रिटनी के घर पर आते हैं। यहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ब्रिटनी ज़रा वरीड थी कि अगर उसके घर का कोई नुकसान हुआ तो उसके स्टेप फादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। घर में अलग अलग कैमरेज लगे थे तो इससे वो सब पर नज़र रखती है। एक लड़का उसकी मदर की फोटो पर ड्रॉ करने लग गया था, उस पर गुस्सा हो गई, उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कितना भी ट्राई करे फिर भी इस पार्टी को रोक नहीं सकती थी। वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई पर वहां पर माया थी। माया उससे पूछती है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मदर ने इस मिलीनियर से शादी क्यों की? सबको पता था इसके बहुत सारे चक्कर थे, या सिर्फ पैसों के लिए? अगर यही बात थी तो तुम भी किसी मिलीनियर के साथ शादी कर लो, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में स्कूल में ये दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। इन दोनों में झगड़ा हो गया और माया यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में ब्रिटनी के स्टेप फादर जिनका नाम है नाइल्स, ये घर पर पहुंच गए। ये जल्दी से सबको घर से निकाल देते हैं। वो ब्रिटनी पर गुस्सा आते हैं तो कहते हैं, तुम भी तुम्हारी मदर की तरह बहुत घटिया हो। आज रात ब्रिटनी अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ सुनती है तो उसकी नींद खुल गई। उसने जाकर अपने सिक्योरिटी कैमरेज चेक किए, वहां पर वो देखती है नाइल्स को एक आदमी धमका रहा था। नाइल्स को मारकर वो आदमी चला गया तो ब्रिटनी नाइल्स के पास आई। वो उसे पूछती है कि वो था कौन, पर नाइल्स उसे कुछ भी नहीं बताता। नाइल्स ने उसे कहा कि अब मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, पर क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? ब्रिटनी कहती है कि ऑफकोर्स आप कर सकते हो, और वो उन्हें डैड बुलाती है। पर नाइल्स ने क्लियर किया कि मैं तुम्हारा स्टेप डैड हूँ। कल रात जो भी हुआ था ये ब्रिटनी अपने फ्रेंड को बताती है। वो नाइल्स के लिए बहुत ही वरीड थी। तभी स्कूल में उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और यहाँ पर 2 डिटेक्टिव्स है। उसे पता चला कि नाइल्स का प्लेन क्रैश हो चुका है। उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ नाइल्स ही उसका अब ख्याल रखता था। अब जहाँ पर प्लेन क्रैश वगैरह हुआ था इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वहीं पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है टेरेंस। टेरेंस एक्चुअल में इंश्योरेंस का इन्वेस्टिगेटर था। नाइल्स के नाम पर $2 मिलियन की पॉलिसी थी, तो एक्चुअल में क्या एक्सीडेंट था या उसे किसी ने मारने की कोशिश की थी, इसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टेरेंस वहाँ आया हुआ था। वो इसके बारे में मॉरिस से बात करता है पर मॉरिस ने उसे क्लियर कर दिया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। टेरेंस मॉरिस से कहता है कि चीज़ें सिंपल लगती है पर उतनी सिंपल होती नहीं। टेरेंस हर एक चीज़ पर शक करता है। एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्लेन में कुछ रैट्स थे, इन रैट्स ने प्लेन की वायरिंग को कट कर दिया था तो इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। मॉरिस को शक जाता है कि किसी ने करवाया हो सकता है, तो इसी के बारे में बात करने के लिए वो ब्रिटनी के पास आया। उसे एक्सीडेंट के पीछे का रीजन बताता है और पूछता है कि नाइल्स के कोई दुश्मन थे, क्या कोई कर सकता है? ब्रिटनी अपने फ्रेंड के साथ थी तो फ्रेंड ने कहा कि उसे उस रात के बारे में बताओ। ब्रिटनी बताती है कि नाइल्स को धमकाने के लिए एक आदमी आया हुआ था। उसने उस आदमी का सिक्योरिटी फुटेज मॉरिस को दे दिया। इसके बाद ब्रिटनी के लॉयर नाइल्स जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के लॉयर, इन सब में एक मीटिंग होती है। नाइल्स के विल को लेकर मीटिंग थी। इसमें ब्रिटनी को पता चला कि नाइल्स ने ब्रिटनी के लिए सिर्फ $25,000 अ ईयर इस तरीके का प्लान क्रिएट किया है। वो इतने कम पैसों में सही से जी नहीं सकती। वो डिस्टर्ब होकर वो पूछती है क्या कोई और प्लान नहीं?
कंपनी के लॉयर ने कहा कि उसकी सारी प्रॉपर्टी अब एक ट्रस्ट को चली जाएगी। अगर उसका प्रॉपर बेटा या बेटी होता तो सारी प्रॉपर्टी उसे जाती। इन सारी चीजों को कल फाइनली जज के सामने फाइनलाइज किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब टेरेंस को रैट के बारे में पता चला तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की वो कोशिश करता है। ब्रिटनी के फादर का एक्सीडेंट, उनकी विल, इन सारी चीजों के बारे में स्कूल के न्यूज़पेपर में लिखा जा रहा था। माया भी इस पर काम कर रही थी तो उसे पता चला कि अगर नाइल्स का कोई बेटा या बेटी होते तो सारी प्रॉपर्टी उसे जाती। उसे फिर एक आइडिया आता है। आज डायरेक्ट टू मॉरिस को, जो आदमी नाइल्स को धमकाने के लिए आया था, उसके बारे में एक लीड मिली। अगले दिन जब सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए ब्रिटनी कोर्ट रूम में पहुंची तो वहां पर बहुत सारे लोग थे। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि माया कह रही थी कि एक्चुअल में नाइल्स उसके फादर थे। ब्रिटनी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कोर्ट में ही उस पर हमला करने की कोशिश करती है। इस बात से जज तंग आ गए और अगले दिन वो हियरिंग करने का डिसाइड करते हैं। इस सब के बारे में टेरेंस को भी पता चल गया। अगले दिन कोर्ट में माया ने कहा कि मेरी मदर नाइल्स के लिए काम किया करती थी। वो पहले तो उसे इग्नोर करता था, पर एक दिन उसके साथ वो इंटीमेट हो गया। इसके बाद मेरी मदर प्रेग्नेंट हो गई थी। नाइल्स ने उसे अबॉर्शन करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। मेरी मदर क्रिश्चियन थी तो उसने अबॉर्शन नहीं करवाया। नाइल्स ने मेरी मदर को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे। ये सारे लेटर्स माया कोर्ट में सबमिट कर देती है। जज ने देखा और वो कहते हैं हम अब डीएनए टेस्ट करवाएंगे। इस डीएनए टेस्ट को परफॉर्म करने वाले डॉक्टर का नाम था जूलियन। ये वही डॉक्टर है जो पहले इनके स्कूल में आया था। टेरेंस आकर फिर जूलियन से भी मिल लेता है। कहता है रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले मुझे ही बताना। आज रात ब्रिटनी जब घर पर आई तो नाइल्स को जिस आदमी ने धमकाया हुआ था वही आदमी ब्रिटनी को भी धमकाता है। कहता है नाइल्स के मर जाने के बाद उस पर जो हमारा $7 मिलियन का लोन था ये गायब नहीं हो जाता। अब ये सारे पैसे तुम्हें पे करने पड़ेंगे। ब्रिटनी इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगले दिन कोर्ट में डीएनए टेस्ट का रिजल्ट बताया जाता है तो इसमें पता चला कि माया ये नाइल्स की बेटी है। सारी प्रॉपर्टी अब उसे मिल जाएगी। ब्रिटनी इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, पर रात में जब उसने टीवी ऑन किया तो जो आदमी उसे धमकाने के लिए आया था उसे डायरेक्ट टू मॉरिस ने अरेस्ट कर लिया है। फाइनली उसे कुछ राहत मिलती है। रात में टेरेंस रैट्स के डॉक्टर के पास आया। उसे उसे पता चला कि जो रैट प्लेन में थे ये अलग नस्ल के रैट्स थे। ये अपनी दांतों से किसी भी चीज़ को तोड़ सकते थे। ये बहुत ऊंचाई से भी गिरे फिर भी ये जिंदा रहते थे, मतलब इनकी सर्वाइवल स्किल बहुत ही अच्छी थी। टेरेंस कन्फर्म हो जाता है कि नाइल्स को मारने का एक किसी ना किसी का तो प्लान था। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि ब्रिटनी से मिलने के लिए माया आई। ये दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तभी वहां पर जूलियन आया। जूलियन कहता है कि अब तक हमारे पास पैसे आए नहीं है, हमें सावधान रहना पड़ेगा। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों इस प्लान में शामिल थे। जूलियन ही डीएनए टेस्ट का इंचार्ज था तो इसलिए वो फेक रिजल्ट ला सकता था। नाइल्स की कंपनी की वजह से ब्रिटनी को कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो यही प्रॉपर्टी पाने के लिए उसने माया के साथ मिलकर, डॉक्टर जूलियन के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया था। इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ये तीनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन ब्रिटनी अपनी मदर को याद करने के लिए लेक पर आई हुई थी, पर टेरेंस वहां पर पहुंच जाता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है तुम्हारे फादर की डेथ रैट्स की वजह से हुई थी, या तुम्हारे घर में रैट्स की कोई प्रॉब्लम्स है। वो उसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा था। इन सारे क्वेश्चंस की वजह से ब्रिटनी जरा प्रेशर में आ गई। वो जल्दी से स्कूल आई और माया से वो बात करती है। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। माया उसे कहती है कि टेरेंस को कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस तरीके से मुझसे पब्लिकली नहीं मिल सकती, सारी चीज़ों को हम हैंडल कर लेंगे। रात में टेरेंस जूलियन के पास पहुंच गया। वो नाइल्स के बारे में उसे भी अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा था। इसकी वजह से जूलियन भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो डायरेक्टली माया के पास पहुंचा। ब्रिटनी उसे समझाती है कि टेरेंस सिर्फ तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो और सोचो कि हमें $70 मिलियन मिलने वाले हैं। वो फिर उसके साथ इंटीमेट होने लग गए। टेरेंस ने एक्चुअल में जूलियन का पीछा किया था, उसे इन दोनों के बारे में पता चल जाता है। वो जब इन दोनों को देख रहा था तो अचानक से एक आदमी ने पीछे से उस पर गन लगा दी। टेरेंस उसे कहता है कि मैं इंश्योरेंस का इन्वेस्टिगेटर हूँ, माया को बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो इसी को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो आदमी कहता है कि माया के फादर तो इतने अमीर नहीं थे और उन्हें मरे हुए एक साल हो चुका है, अब माया को क्यों पैसे मिलेंगे। इसमें टेरेंस इंटरेस्टेड हो गया, पूछता है उसके फादर की ग्रेव कहाँ पर है। वो जाकर उसे देख आया। वहां पर उसने नोटिस किया कि इस ग्रेव को अभी अभी डिग किया गया था। अगले दिन माया की नाइल्स की कंपनी के लॉयर के साथ मीटिंग हुई, उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी उसने डायरेक्टली ब्रिटनी को कॉल कर दिया। वो कहती है कि जूलियन बहुत ज्यादा डर रहा था, हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
उसने उसे एक लोकेशन दी जहाँ पर ये तीनों रात में मिलने वाले हैं। ब्रिटनी और माया वहाँ मिले और माया के हाथ में गन थी। माया ब्रिटनी से कह रही थी कि हमें जूलियन को मारना पड़ेगा वरना वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर देगा। जूलियन एक्चुअल में हार्वर्ड से मेडिकल डॉक्टर बना हुआ था पर अपनी ड्रग्स की आदत की वजह से उसकी सारी क्रेडिबिलिटी चली गई थी। फिर से इसी वजह से वो गड़बड़ कर सकता है तो इसी वजह से माया उसे मारना चाहती थी। जब जूलियन वहाँ पर पहुंचा तो उसे शूट करने की कोशिश करती है वह ब्रिटनी ने उसे बचा लिया। जल्दी से वो वहाँ से भागने लग गया। उसे लग रहा था कि ब्रिटनी भी उसे मारने की कोशिश कर रही है तो जूलियन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसे मार रहा था तभी माया उसे शूट कर देती है। ब्रिटनी इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। माया उसे समझाती है तुम्हारी मदर की सुसाइड को हम इस तरीके से जाहिर नहीं होने दे सकते। ये दोनों फिर जूलियन की बॉडी को जिस लेग में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पर डालने वाले थे पर अचानक से उन्हें पुलिस की आवाज़ आती है। रात में हर जगह पर घूमते हुए एक पुलिस ऑफिसर यहाँ आया हुआ था। माया उससे बात करती है उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। माया ने कहा कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ आई हुई थी वो मुझे यही छोड़कर चले गए। ब्रिटनी जूलियन की बॉडी को काटने वाली थी पर जूलियन अभी भी थोड़ा सा जिंदा था। वो ब्रिटनी को मारने की कोशिश करता है तो ब्रिटनी जोर से चिल्लाती है। उसने फाइनली जूलियन को पूरी तरीके से मार डाला पर ये सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर ने सुन ली थी। वो आसपास ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी मिलता नहीं। फाइनली वो माया को घर तक लिफ्ट दे देता है। फाइनली ब्रिटनी जूलियन की बॉडी को ठिकाने लगा देती है। उसकी गाड़ी छोड़ने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। टेरेंस भी केस की इन्वेस्टिगेशन करता करता जूलियन के घर पर पहुंच गया था। उसने ब्रिटनी को देखा तो बहुत ही सस्पिशियस थी। उसके फेस पर खून था। ब्रिटनी के घर पर जाने के बाद उसने जूलियन की गाड़ी को चेक किया। टायर्स पर उसे मर्ड मिला। उसने फिगर आउट कर लिया था कि जूलियन की बॉडी के साथ ब्रिटनी ने क्या किया होगा। वो अगले दिन लेक के पास डिरेक्टिव मॉरिस को बुलाता है सारी चीजें चेक करने के लिए कहता है। डिरेक्टिव ने सारा लेक देखा पर उन्हें कहीं भी बॉडी नहीं मिलती। वो अब टेरेंस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसे कहता है मेरा टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से इस टाउन से निकल जाओ। टेरेंस फिगर आउट नहीं कर पाता कि ऐसा हुआ कैसे। वहाँ पानी में उसने एक फूल के प्लांट को नोटिस किया। एक्चुअल में प्लांट इस तरीके से था कि उसके आसपास की सारी चीज़ें वो सक कर लेता है। आसपास कुछ भी चीज़ें नहीं बचती। इसी तरीके से जूलियन की बॉडी भी उस प्लांट ने सक कर ली थी। टेरेंस ने बहुत कोशिश की फाइनली उसे जूलियन के ब्लड के क्लॉथ मिल गए। वो फिर रात में ब्रिटनी और माया के पास आया। वो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था पर फिर भी तुम पकड़े गए। टेरेंस इन दोनों को ब्लैकमेल करता है कहता है कि अब मुझे हाफ पैसे चाहिए वरना मैं सारी चीज़ें डिरेक्टिव को बता दूंगा। ये दोनों मान नहीं रही थी पर टेरेंस ने सचमुच में डिरेक्टिव को कॉल लगाया तो मान जाते हैं। माया उसे पूछती है कि सारी चीज़ें तुम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे। टेरेंस कहता है कि मैं 10 साल से इस काम को कर रहा हूँ पर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि अमीर लोग अमीर होते जाते हैं मुझे इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। इनकी जब एक कन्वर्सेशन हो रही थी तब हम नोटिस करते हैं ब्रिटनी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी। वो थोड़ी देर में इनके पास आई पर उसके पास गन है। टेरेंस बहुत ही डर गया था। वो कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। ब्रिटनी ने गोली चलाकर माया को मार डाला। टेरेंस बहुत ही शौक में था। ब्रिटनी उसे कहती है अगर तुम अपने पैसे पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये माया की बॉडी गाड़ी में डालते हैं और इसको ठिकाने लगाने के लिए फिर से लेक पर जा रहे थे। सिग्नल पर आने के बाद टेरेंस की गाड़ी के पीछे एक पुलिस की गाड़ी आई। वो बहुत ही डर चुका था। इस मौके का फायदा उठाकर ब्रिटनी गाड़ी से निकल गई। वो एक फोन बूथ पर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि टेरेंस के गाड़ी में एक बॉडी है। वो पकड़ा गया उसे पुलिस स्टेशन में लाया गया। वो सारी चीज़ें पुलिस को समझाने की कोशिश करता है पर मॉरिस उस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी उसने उसे फंसाने की कोशिश की थी ऐसा उसे लगता है। जो बातें टेरेंस और माया कर रहे थे ये सारी बातें ब्रिटनी ने रिकॉर्ड की थी और इसकी टेप पुलिस स्टेशन में भेज दी है। इससे साफ साफ पता चल जाता है कि टेरेंस ने माया का मर्डर किया है। टेरेंस ने सब कुछ बातें समझाने की कोशिश की पर उसके कोई भी नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि टीवी पर नाइल्स के बारे में न्यूज़ आई। हमें पता चलता है कि नाइल्स पर $7 मिलियन की डेट थी और ये पैसे भी उसने कुछ गुंडों से लिए थे। टेरेंस को अब शक गया कि शायद नाइल्स अभी भी जिंदा है। बेचारे की बात कोई भी नहीं सुनता। हम डायरेक्टली ब्रिटनी को प्लेन में देखते हैं और प्लेन में नाइल्स था। एक्चुअल में प्लेन में जो बॉडी पुलिस को मिली थी ये माया के फादर की थी जिनकी डेथ 1 साल पहले हो चुकी थी। ग्रेव में से उनकी बॉडी को निकालकर उन्होंने प्लेन में डाल दिया था। ये सारा जो प्लान था ये नाइल्स और ब्रिटनी ने मिलकर किया था। नाइल्स अपनी कंपनी की वजह से सारे पैसे ब्रिटनी को नहीं दे सकता था और इसके ऑपोजिट उस पर $7 मिलियन का गुंडों से लिया हुआ लोन था। उसकी जान खतरे में थी इसी वजह से उसने सारा प्लान किया। वो ब्रिटनी पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
ब्रिटनी भी अब अपना सारा रिकॉर्ड क्लियर करना चाहती थी। अगर सबको लगा कि वो भी मर चुकी है तो उस पर किसी को भी शक नहीं आएगा। अब इस प्लेन से कूदकर इस प्लेन को भी क्रैश करने वाले थे। इसे सबको लगेगा कि ब्रिटनी की डेथ हो चुकी है। ब्रिटनी नाइल्स को एक पैराशूट देती है, पर नाइल्स उस पर सस्पिशियस था तो ब्रिटनी ने अपना पैराशूट उसे दे दिया। नाइल्स कहता है कि तुम्हारी मदर इतनी स्मार्ट नहीं थी, पर तुम बहुत स्मार्ट हो। जब वो प्लेन में से कूदने वाला था तो ब्रिटनी कहती है, पहला पैराशूट जो मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें वही पहनना चाहिए था। उसे लात मारकर प्लेन से नीचे गिरा देती है। उस पैराशूट में पेपर्स भरे थे तो इस वजह से उसकी नीचे गिरकर डेथ हो जाती है। ब्रिटनी भी पैराशूट से नीचे आई तो नीचे उसकी मदर उसका वेट कर रही है। उसकी मदर की सुसाइड भी उन्होंने स्टेज की थी। अब फाइनली में पता चला कि प्लान उसकी मदर और उसका मिलकर था। स्लोली स्लोली सारे लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया था। अब फाइनली एक न्यू कंट्री में जाकर ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रिटनी ने अपनी मदर के लिए एक ड्रिंक लाया। मदर कहती है कि ड्रिंक जरा स्ट्रांग है। ब्रिटनी के लुक से हमें पता चलता है कि उसने अपनी मदर को भी मार डाला। यही इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के अकॉर्डिंग पैसों के लिए वर्ल्ड में हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।